सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज हम एक और एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एज द मून सो ब्यूटीफुल, जिसका एक जापानीज नाम है सुकीगा किरे, हाँ ऐसे कुछ नाम है। बट ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा रोमांसिक वाला है। तो इसके मेल मेन कैरेक्टर का नाम है कोतारू और जो फीमेल मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अकाने। तो इसका एपिसोड नंबर 1 लेकर मैं आ चुका हूँ तुम सबके सामने हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक नए इंट्रो के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चेरी ब्लॉसम का सीन दिखाया जाता है क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा होता है और जो चेरी ब्लॉसम है वो भी बहुत सुंदर होता है और इसी के साथ साथ जो एडमिशन है वो भी खुल चुके होते हैं और जो बच्चे हैं हमें स्कूल जाते हुए दिखाए जाते हैं। और इसके साथ साथ वो देखते हैं कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स उस स्कूल में हैं पर उनको दूसरे दूसरे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और जो तीन लड़के हमें दिखाए जाते हैं और कहते हैं मैं तो क्लास 2 में हूँ और तुम 1 में और हम सब अलग हो चुके हैं। और उसके बाद हमें बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि कौन से बच्चे और कौन से सेक्शन में जाएंगे और फिर हमें तीन लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो कि फ्रेंड्स होती हैं पर वो कहते हैं हम तीनों में से कोई भी एक साथ नहीं है। और उनमें से एक लड़की जिसका नाम होता है अकाने वो कहती है कि तुम में से कोई भी ट्रैक क्लब में भी नहीं है पर वो कहते हैं कि हम लगभग एक दूसरे को देख तो पाएंगे। और उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं पोस्टर बनाना तो भूल ही गई और जो अकाने वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो पोस्टर बनाने में और वो कहती है शुक्रिया तुम्हारा। और जो अकाने है वो कहती है आज हमारा पहला दिन है इस मिडिल स्कूल का और मैं 3rd ईयर में हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सबके सब बच्चे जो हैं वो असेंबली में खड़े होते हैं और जो उनका प्रिंसिपल है वो लेक्चर दिए जा रहा होता है जो कि हर स्कूल की कहानी है। पर जो अकाने है वो थोड़ी सी नर्वस लग रही होती है और वो इसलिए वॉशरूम जाती है और वहाँ पर अपना एक टॉय निकालती है और उसको दबाने लगती है और कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। और अकाने उस टॉय को अपने पास हमेशा रखती है और जब भी नर्वस होती है उसे दबाती है और अपनी नर्वसनेस कम करती है। और इसके बाद हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा दूसरा मेल मेन कैरेक्टर होता है और वो कहता है हम सबको बांट दिया गया है अपर क्लास, लोअर क्लास, स्कूल क्लब्स, लेम वंस और इन सब में और कितने वो प्रभावशाली यानी अट्रैक्टिवनेस हैं और कितने उनके ग्रेड्स आते हैं इन सब के बेसिस पर उनको बांट दिया गया अलग अलग सेक्शंस में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो क्लासरूम में एंटर करती है पर वो अब भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं अंदर नहीं जा सकती। और फिर वहाँ से एक लड़की उसे बुलाती है और उसके कहने पर वो वहाँ पर आ जाती है क्लास में और वो कहती है हम पिछले साल 3rd ग्रेड क्लास में एक साथ थे, क्या तुम्हें याद है। उसके बाद कोतारो और उसके फ्रेंड देख रहे होते हैं उनको। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो है टीचर आ जाती है क्लास में और कहती है अपने अपनी सीट्स पर चलो सारे। और उसके अगले सीन में जो है पीरियड एंड हो जाता है और इसके बाद पूरी क्लास खाली हो जाती है और सिर्फ कोतारो और कुछ और उसके फ्रेंड्स बचते हैं क्लास में। और ये एक ऐसा फ्री पीरियड था तो जो भी जो जिस सेक्शन में जाना चाहता था तो वो वहाँ जा सकता था। तो कोतारो ना सिर्फ लाइब्रेरी में जाता है और जो बाकी सब हैं वो ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाला था। और जो अकाने है वो भी रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्कूल पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और सबकी छुट्टी हो जाती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाते हैं। और इसके बाद हमें अकाने के इस घर का सीन दिखाया जाता है और वो घर पर वापस आती है और वहाँ पर उसकी सिस्टर भी बैठी होती है और वो लोग प्लान बना रखे होते हैं कि हम आज बाहर जाएंगे डिनर करने और उसको कहते हैं तुम मुझे भी जल्दी से तैयार हो जाओ और हम चलते हैं फिर उसके बाद। पर जो अकाने के डैड है वो टीवी देख रहे होते हैं और उनसे टीवी बंद करवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं और खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं पर जो अकाने की सिस्टर है वो फ़ोन में ही लगी होती है। और इधर उसी के पास बिल्कुल ही सामने कोतारो की फैमिली भी उन्हीं की साइड में सामने ही बैठे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने की मम्मी होती है वो कहती है कि अच्छे से खाना, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है अपने क्लब के लिए। और जहाँ जो कोतारो होता है वो देख लेता है कि जो अकाने है उसके साइड में बैठी होती है पर वो थोड़ा सा नर्वस होता है और वो भी ब्लश करने लग जाता है जैसे कि तुम देख ही सकते हो पिक में। उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो भी उसको देख लेती है और उसे याद आता है कि वो तो उसका क्लासमेट है। और उसके बाद अगले सीन में जो कोतारो है वो कहता है कि मैं एक ड्रिंक लेकर आता हूँ अभी। और इसके बाद दोनों ही कोतारो और अकाने बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और इसके बाद अचानक से अकाने खड़ी होती है और कहती है कि मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो अकाने और कोतारो वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जो अकाने है वो कोल्ड ड्रिंक लेने आई होती है पर जो वहाँ पर वहाँ कोतारो खड़ा होता है तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि मैं ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाऊँ तो वो कॉफ़ी लेकर ही चला जाता है। और उसके बाद जो अकाने है वो कोल्ड ड्रिंक्स लेने आ जाती है आगे और उसके बाद उसकी मोमो से आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुम हमारे लिए पानी ले आना
और जो फिर उसके डैड उसे आवाज़ लगाता है और कहता है कि मेरे लिए मेलन सोडा। और फिर जो अकाने की सिस्टर है वो उसकी हेल्प करने आती है क्योंकि वो बहुत सारे ग्लासेस ले रही होती है, तो वो उसकी मदद करने आती है और वो कोतारो को भी देख लेती है। और फिर अकाने से पूछती है कि ये कौन है, और जो अकाने है वो कहती है ये मेरी क्लास में है। उसके बाद अकाने की जो बहन है वो उससे पहले पहुँच कर उसकी मोम के कानों में सब बता देती है और कुछ अपने आप से भी ऐड वगैरह करके बता देती है। उसके बाद जो अकाने की मोम है वो सरप्राइज हो जाती है, और फिर जहाँ कोतारो की फैमिली डिनर कर रही होती है उसकी मोम वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि जिस क्लास में आपका बेटा पढ़ता है उसमें मेरी बेटी पढ़ती है, जिसका नाम अकाने है, और उन्हें हेलो कहती है। और कोतारो की फैमिली भी उसे हेलो करती है और वेलकम भी करती है बहुत, और दोनों फैमिलीज एक दूसरे को उसका इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। और जो अकाने के डैड होते हैं वो कोतारो के डैड को हेलो करते हैं, और जो अकाने ये देख कर पूरी तरह शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। और एट द सेम टाइम जो कोतारो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है। और इसके बाद दोनों फैमिलीज का जो ऑर्डर किया हुआ खाना होता है वो आ जाता है और दोनों फैमिलीज डिनर कर रहे होते हैं। जो कोतारो के डैड हैं वो कहते हैं देखो वो कितनी ज़्यादा क्यूट है, और फिर कोतारो की मॉम कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि जो कोतारो पे अब एक टीनेजर है। और तभी कोतारो की थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही होती है और वो फिर अपनी लाई हुई कॉफ़ी पीता है। और इसके बाद जो अकाने की फैमिली होती है वो जा रही होती है, और इसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो अकाने कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, और वो कोतारो से बात करना चाहती थी, और वो कहती है मैं अपने टॉय को निकाल कर उसे दबाना चाहती हूँ अपनी नर्वसनेस कम करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी अभी। तो जो अकाने है वो कोतारो के पास जाती है और कहती है हेलो, और उसे कहती है कि प्लीज़ इसके बारे में स्कूल में किसी को मत बताना जैसा आज हुआ है। और जो कोतारो है वो कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, और अकाने उसे थैंक्स कहकर यहाँ से चली जाती है। और जो कोतारो है वो कहता है इसमें नर्वस होने वाली बात क्या थी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और सभी स्टूडेंट स्कूल की ओर जा रहे होते हैं अपनी क्लासेस में, और अकाने भी क्लासरूम में नहीं जाती है और देखती है कि जो कोतारो आ रहा होता है, और वो भी थोड़ी नर्वस लग रही होती है, वो सोचती है कहीं वो किसी को बताना दे। और इसके बाद कोतारो डेस्क पर बैठता है और अकाने को देखने लगता है और कहता है हमने तब से बात नहीं की है जब तक हम कल मिले थे, बेशक हमने एक दूसरे को नोटिस तो किया है पर अब तक बात भी नहीं की है। और इसके बाद जो कोतारो वो अपनी बुक रीड करने लग जाता है जो उसके टेबल पर रखी होती है, और फिर क्लास में टीचर एंटर करती है और कहती है कि आज एक मीटिंग है ट्रैक क्लब और इक्विपमेंट ग्रुप वालों की। और फिर इसके बाद जो मीटिंग में आते हैं सब लोग, और जो एक ट्रैक क्लब का मेंबर होता है जिसका नाम हीरा होता है, वो कहता है कि हम दोनों ग्रुप को एक साथ काम करना है टीम में। और जो दोनों क्लब्स के मेंबर्स होते हैं वो तय करते हैं कि हम एक ग्रुप बनाएंगे लाइन ऐप पर, और सब अपनी अपनी लाइन आईडी लिखवा रहे होते हैं और सबमिट कर देते हैं। पर जो कोतारो उसके फ्रेंड्स वो पहले ही जा चुके होते हैं, वो उसने आवाज़ भी लगाने वाली होती है पर वो नर्वस हो जाती है। और इसके बाद जो अकाने वो अपने घर आ जाती है और मैसेजेस चेक करती है, और वो देखती है कि जो कोतारो है वो उस ग्रुप में नहीं होता है। इक्विपमेंट ग्रुप वालों के लिए मैसेज आया होता है कि उनको कल जिम में पहुंचना है, और जो कोतारो है वो इक्विपमेंट ग्रुप में ही होता है पर वो ग्रुप में नहीं था इसमें। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो होता है क्लासरूम का अगले दिन का, और जो अकाने है वो उससे बात करने लगती है पर पीछे से कोई उसे बुला लेता है। उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं क्या तुमने लाइन ऐप कल चेक किया था, और वो कहती है हाँ। उसके बाद अकाने कोतारो के पास वापस आती है उसे बताने के लिए, पर वो नर्वस हो जाती है फिर से, इसलिए वो उसे बता भी नहीं पा रही होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्कूल ख़त्म, और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोतारो जो है अपनी लिखी हुई बुक अपने हाथ में लिए होता है और उसे पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफिस में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जो कोतारो लाइब्रेरी में आता है कुछ बुक्स लेने के लिए, रीड करने के लिए, और फिर वहाँ पर लाइब्रेरी का हमें इंचार्ज भी दिखाया जाता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है। और जो कोतारो वो अपने पढ़ने के लिए कुछ बुक्स लेने लगता है, और उनके स्कूल में जो फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए भी कुछ बुक्स लेता है, और वो बुक उठाता है ये। उसके बाद वो एक और बुक देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्कूल गर्ल, और फिर उसके बाद वहाँ पर जो लाइब्रेरी का इंचार्ज है वो आता है और कहता है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि डेजिया ने लिखी है, जिसमें उसने एक लड़की के थॉट्स बताए हैं और कैसा वो सोचती हैं और कैसा वो करते हैं वो सब इसमें लिखा है। और फिर लाइब्रेरी का इंचार्ज एक और बुक दिखाता है उसे और कहता है जो बुक तुमने मंगवाई थी वो मैं ले आया हूँ। फिर इसके बाद जो इंचार्ज है वो उन बुक्स को पैक कर देता है, एक स्कूल गर्ल वाली, एक जो उसने मंगवाई थी, और प्लस ये। और इसके साथ वो कहता है कि तुम्हें हर तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए। और इसके बाद जो कोतारो है वो खुश होकर अपने घर चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेयर्स पर अकाने खड़ी होती है और देखती है कि
कोतारो को डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो इक्विपमेंट ग्रुप की मीटिंग में नहीं आया कल, और उसे कहते हैं कि जाओ आप स्कोरबोर्ड लेकर आओ जिम स्टोरेज में से। और अकाने ये सब देख रही होती है, तभी कोतारो स्कोरबोर्ड लेने के लिए जिम स्टोरेज में आता है, और इसके साथ अकाने भी उसके पीछे पीछे आती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है अभी भी और अपने उस स्टोरेज को दबाना शुरू करती है। और इसके बाद अकाने हिम्मत जुटाते हुए जिम में जाती है, यानी कि स्टोर रूम में, स्टोर रूम भी कह सकते हो तुम्हें उस एक तरह। और अकाने ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कल नहीं बता पाई कि तुम्हारी मीटिंग थी, और क्या मैं तुम्हारी लाइन आईडी मांग सकती हूँ प्लीज़। और फिर कोतारो कहता है मेरे पास अभी मेरा फ़ोन नहीं है। तो जो अकाने है वो अपने लाइन आईडी एक पेपर पर लिख कर कोतारो को देती है और कहती है कि ये मेरी आईडी है। और फिर इसके बाद जो कोतारो कहता है ठीक है मैं ज्वाइन करूँगा आज ही, और जो अकाने कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ स्कोरबोर्ड निकालने में, और अगर हम साथ में काम करेंगे तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, तो हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जो अकाने है वो कोतारो की हेल्प करती है स्कोरबोर्ड को निकालने में, एंड फाइनली वो लोग स्कोरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, पर जो कोतारो थोड़ा सा ब्लिस करता है। और फिर इसके बाद जो अकाने है वो उसे कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, और फिर से सॉरी मांगती है। और जो कोतारो वो कहता है कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद स्कूल एंड हो जाता है और शाम हो रही होती है, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और फिर कोतारो आईडी को देखते हुए खुश होता हुआ अपने घर जा रहा होता है। और इसके बाद अकाने अपने घर पर होती है और वो अपना लाइन ऐप चेक करती है, तो उसमें आता है कि कोतारो ने भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। और फिर इसके बाद जो अकाने की सिस्टर होती है वो पीछे से उसे देखती है और कहती है क्या है तुम्हारा फ्रेंड है, और जो अकाने वो कहती है कुछ भी नहीं। और फिर अकाने अपनी सिस्टर का गुस्सा उसके फ़ोन पर निकालती है और उसकी स्क्रीन को बार बार लॉक अनलॉक कर रही होती है, और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। पर को भी वीडियो को बंद मत करना, पहले ये देखो कि क्या तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर हाँ तो बढ़िया, अगर नहीं किया है तो अभी कभी कर दो। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करना अपने जैसे एनिमल लवर्स के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुम्हें नाम डिस्क्रिप्शन में क्लिक मिलेगा जो होगा योर लाइन एप्पल की सीरीज का, उसे भी तुम जाकर देख सकते हो, वो भी एक एनिमे है बहुत ही कमाल का, तो जाओ अभी चेकआउट करो।